Hey everyone, welcome to IQTAP. So let's start with the tool discussion for 12th of March. Now first of all, let's try to understand कि आज हमें कौन कौन से tool को discuss करने हैं. First of all, we'll talk about the misguided energy policy, यानी कि basically हम nuclear policy के बारे में बात करने वाले हैं. India इसको किस तरीके से proliferate कर रहा है, India किस तरीके से इसको increase करने की कोशिश कर रहा है, but क्यों ये India के लिए और पूरे world के लिए harmful है. क्यों हमें न्यूक्लियर एनर्जी को उतनी ज्यादा प्रोलिफरेट करने की जरूरत नहीं है. सबसे पहले हम इसके बारे में डिटेल में समझेंगे एंड सेकंड विल टॉक अबाउट द एयर स्पेस रीओपनिंग. अब जानते हैं कि मार्च के एंड में जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने डिसाइड किया कि मार्च 2022 के एंड में फिर से एक बार इंटरनेशनल फ्लाइट्स को रिज्यूम किया जाएगा ताकि डिफरेंट कंट्री के साथ जो भी इंटरनेशनल ओपनिंग्स वगैरह जो स्पेशली जो मतलब फ्लाइट्स वगैरह है उसको फिर से एक बार कनेक्ट किया जा सके ताकि जो टूरिज्म इंडस्ट्री है एविएशन इंडस्ट्रीज को फिर से एक बार मतलब वापस ऑन ट्रैक मतलब लाया जा सके जो कि कोविड के टाइम में पूरी तरीके से सस्पेंड हो गया था. सो मुझसे किस चीज के बारे में बात करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द मिसगाइडेड एनर्जी पॉलिसी. इन शॉर्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द न्यूक्लियर एनर्जी और उसके कौन कौन से बेनिफिट्स नहीं है, कौन कौन से हार्म्स हैं, क्यों हमें एनर्जी पॉलिसी को पूरी तरीके से बंद करने की जरूरत है स्पेशली न्यूक्लियर एनर्जी पॉलिसी को. देखिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू मस्ट रिमेंबर कि जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी होता है दैट इज वेरी हैजार्डस. आप जानते हैं इसको दोनों तरीकों से यूज किया जा सकता है. न्यूक्लियर एनर्जी को अगर आप पीसफुली यूज करते हैं तो आप उसको एनर्जी के लिए यूज कर सकते हैं, बट अगर आप उसको डेंजरसली यूज करते हैं तो उससे आप न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह बना सकते हैं. न्यूक्लियर जो मिसाइल्स वगैरह होती है आप जानते हैं न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह जो होते हैं बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, उन सब चीजों को बनाया जा सकता है. देखिए एक चीज आपको समझना होगा, भले ही वो न्यूक्लियर एनर्जी भले ही वो न्यूक्लियर मतलब मिसाइल्स वगैरह हो या फिर वो न्यूक्लियर एनर्जी हो दोनों ही बहुत ज्यादा डिवास्टेटिंग और बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं अगर दोनों का ही गलत यूज किया जाए तो. देखिए अगर एक न्यूक्लियर मिसाइल का गलत यूज किया जाता है जैसे कि जापान में हिरोशिमा और नागासाकी में किया गया था तो हम जानते हैं आज तक उसका इफेक्ट आज तक नागासाकी और जो हिरोशिमा है उसमें देखा जाता है. सिमिलरली अगर कोई एक एनर्जी पॉलिसी के लिए भी एक न्यूक्लियर पावर का अगर यूज किया जाता है और अगर गलती से भी अगर वो लीक हो गया या फिर किसी तरीके से अगर वो यू नो उसको प्रॉपरली सेफ नहीं रखा गया तो भी उसके आसपास का पॉपुलेशन जो है उसको बहुत ज्यादा हार्म मतलब यू नो बहुत ज्यादा हार्म होता है उसको. ठीक है तो दोनों ही केसेस में जो न्यूक्लियर पॉलिसी है वो बहुत ज्यादा हजार्डस है, बहुत ज्यादा हार्मफुल है. रिसेंटली कॉन्टेक्स्ट ये है कि यूक्रेन के अंदर जो हमारे यूरोप का सबसे लार्जेस्ट और जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना वो यूक्रेन के अंदर प्रेजेंट है, उसका नाम है ज़ापोरिज़्ज़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट. ठीक है ये कहां प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है न्यूक्लियर मतलब यूक्रेन के अंदर में. मैं आपको शो करता हूं, देखिए दिस इज द मैप ऑफ यूक्रेन. यूक्रेन के अंदर टोटल 5 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स प्रेजेंट है, उसके अंदर एक जो है चेर्नोबिल वो पूरी तरीके से बंद हो चुका है, उसको हमने डिसआर्म कर दिया. अपार्ट फ्रॉम दिस 4 अभी भी ऐसे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं जो कि यूक्रेन के अंदर राइट नाउ ऑपरेटिव है, जो कि काम कर रहे हैं. उनमें से एक है ज़ापोरिज़्ज़ा, देन इज एक साउथ यूक्रेन के अंदर प्रेजेंट है, एक खमलितस्की के अंदर प्रेजेंट और एक रिवाइन नाम के प्लेस के अंदर प्रेजेंट है. इनमें से अगर आप ज़ापोरिज़्ज़ा को देखेंगे तो दिस इज द लार्जेस्ट. ठीक है और दिस इज लार्जेस्ट नॉट जस्ट इन यूक्रेन बट इन एंटायर यूरोप, दिस इज द लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट जिस चीज के अंदर ऑलमोस्ट 8 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स हैं जिसको मतलब प्रॉपरली डेवलप करने की कोशिश की जाती है. देखिए अभी रिसेंटली क्या हुआ, जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया था तो जो मिलिट्री फाइट आउट हुआ था ना उसके कारण ये पर्टिकुलर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना उसके अंदर भी आग लग गई थी. सोचिए एक न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर अगर आग लग जाएगी तो जो वहां पर जो क्राइसिस है वो वहां पर मैनीफोल्ड इंक्रीज हो सकता है, बट थैंकफुली उसके कूलिंग सिस्टम के अंदर कोई भी प्रॉब्लम. जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं उसके अंदर एक कूलिंग सिस्टम होता है जो कि जितने भी गैसेस वगैरह होते हैं उसको कूल करके रखता है, उसके अंदर किसी भी टाइप का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ. सिमिलरली जो प्लांट का जो पावर सप्लाई था जहां से वो न्यूक्लियर का मतलब पावर दिया जाता है उसके अंदर भी किसी भी टाइप का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ. अपार्ट फ्रॉम दिस जहां पर उसका न्यूक्लियर का फ्यूल रहता है ना वहां पर कोई दिक्कत नहीं हुई. अगर इनमें से कहीं पर भी कोई भी दिक्कत हो जाती तो एक बहुत बड़ा मेजर डिजास्टर हुआ था, बट थैंकफुली इनमें से कुछ भी नहीं हुआ. सो टेक्निकली इस पर्टिकुलर फायर को मतलब बुझा दिया गया है और जो भी सिचुएशन था उसको अंडर कंट्रोल ले लिया गया. बट समझने वाली बात यह है कि व्हाट इफ अगर प्रॉब्लम बढ़ जाती तो क्या होता. देखिए सिमिलरली जो प्रॉब्लम बढ़ी थी दैट वाज इन जापान. जापान के अंदर 2011 के अंदर आपको याद होगा हमने इसके बारे में बात की है कि फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट जिसका मतलब था 2011 के अंदर यहां पर क्या होता है एक बहुत बड़ा सुनामी आया था. एक सुनामी और अर्थक्वेक के कारण यू नो इसका जो फुकुशिमा जो पावर प्लांट था ना उसके अंदर बहुत ज्यादा बुरी तरीके से एक्सीडेंट्स हुए थे और बहुत ज्यादा आग लग गई थी. ठीक है उसके कारण इसको बहुत ही इमीडिएटली उसको शटडाउन कर दिया गया था बिकॉज उसके न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स जो थे रिएक्टर्स वगैरह थे वो वहां पर मेल्टडाउन होना स्टार्ट हो गए थे. रिएक्टर को सिंपल वर्ड्स में समझिए, रिएक्टर एक ऐसा प्लेस होता है जहां पर न्यूक्लियर के फ्यूल वगैरह रखे जाते हैं. सोचिए अगर किसी पर्टिकुलर चीज के कारण एक्सट्रीम हीट के कारण अगर ये न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो रिएक्टर है अगर वो मतलब अंदर से वो हो जाए लीक हो जाए या फिर वो किसी तरीके से अगर यहां पर मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए तो अगर इसके अंदर क्रैक्स आएंगे तो जितना भी न्यूक्लियर फ्यूल होगा वो यहां पर बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा. अगर ये निकलेगा तो इसके साथ में जो न्यूक्लियर मटेरियल्स वगैरह हैं जो न्यूक्लियर वेस्ट है जितना न्यूक्लियर एनर्जी है वो सब भी यहां से बाहर निकलेगा और उसके कारण आसपास के एरियाज के अंदर न्यूक्लियर रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस वो पूरी तरीके से फैल जाएंगे और उसके कारण प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी. तो वही चीज सेम चीज यहां पर जापान की फुकुशिमा के अंदर हुआ था 2011 के अंदर जब सुनामी और जो फ्लड आया था ना उसके कारण क्या हुआ था. ऑल्दो देखिए डायरेक्ट फर्स्ट चीज तो यह हुआ था कि उसका जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहां पर मेल्ट होना स्टार्ट हो गया था, उस चीज के कारण उसको बहुत ही जल्दी शटडाउन कर दिया गया था पूरे के पूरे फुकुशिमा पावर प्लांट को. बट उसके बावजूद जो रेडियोएक्टिव मटेरियल्स थे उससे लगातार निकलते रहे और उसके कारण आसपास में बहुत ज्यादा हीट फैल गया. उस हीट के फैलने के कारण डिस्पाइट द फैक्ट कि यू नो जापानीज गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की उस फुकुशिमा दाइची पावर प्लांट को जितने भी इल इफेक्ट्स हैं मतलब जो बैड इफेक्ट्स थे उसको रोकने के, बट इसके बावजूद वो पूरी तरीके से मेल्टडाउन हो गया और उसके कारण जापान और आसपास के पूरे एरिया के अंदर रेडियोएक्टिव मटेरियल फैल गया था
और स्टिल अभी तक माना जाता है कि जो जो फुकुशिमा पावर प्लांट है उसके आसपास के जितने एरियाज हैं वो पूरी तरीके से इनहैबिटेबल हो चुका है, मतलब वहां पर ह्यूमंस जो है प्रॉपर्ली सर्वाइव नहीं कर पा रहे, राइट। आप देख रहे हैं किसी का यू नो अगर आप वहां जाकर उस पर्टिकुलर चीज की इमेजेस को देखेंगे तो आपको देखेंगे कि हमारे मतलब जो ह्यूमंस है उनके बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स वहां पर गायब हो गए हैं। यहाँ तक कि जो अभी जो बच्चे पैदा होते हैं जापान के अंदर उस पर्टिकुलर प्लेस के अंदर फुकुशिमा नागासाकी हिरोशिमा इन सारे के सारे प्लेसेस में अभी तक जो न्यू बच्चे पैदा होते हैं ना उन सब बच्चों के मतलब यू नो जो ऑर्गन्स है वो कहने के डिसफंक्शनल होते हैं, कुछ ऑर्गन्स काम नहीं कर रहे होते हैं, कुछ ऑर्गन्स होते ही नहीं है। ये दिस इज द काइंड ऑफ इफेक्ट जो कि एक न्यूक्लियर डिजास्टर जो है किसी भी पर्टिकुलर ह्यूमैनिटी के ऊपर डाल सकता है। देखिए अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप उस फुकुशिमा डिजास्टर की बात करेंगे तो उस पर्टिकुलर फुकुशिमा डिजास्टर में अर्थक्वेक और सुनामी आने के बाद फिर से एक आफ्टर शॉक आया था। आफ्टर शॉक क्या होता है, जो अर्थक्वेक खत्म होने के बाद एक फिर से एक टाइप का शॉक आता है उसे कहते हैं आफ्टर शॉक। वो जो आफ्टर शॉक आया था उसके कारण जो बची हुई न्यूक्लियर एनर्जी थी ना उस फुकुशिमा के अंदर वो भी बाहर निकल गई थी, वो भी लीक हो गई थी और उसके कारण प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। देखिए ये हमने देखा 2011 के अंदर क्या हुआ था, सोचिए जापान के अंदर इतनी बड़ी क्राइसिस एक टाइप की हो गई थी और एक ऐसी क्राइसिस थी मतलब एक ऐसी क्राइसिस था जो कि आज 11 साल के बाद भी हम इस पर्टिकुलर क्राइसिस के बारे में बात कर रहे हैं और स्टिल आज भी हम इस पर्टिकुलर क्राइसिस को पूरी तरीके से रोक नहीं पाए। बट इसके बावजूद बहुत सारे पॉलिसी मेकर्स इन इंडिया प्लस वर्ल्ड ऐसे हैं जो कि लगातार न्यूक्लियर पावर है उसको लगातार एक्सपेंड करना चाहते हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको अभी भी एक्सपेंड करना चाहिए? बिकॉज देखिए जितने इसके फायदे हैं जितने इसके बेनिफिट्स हैं उससे ज्यादा इसके कहीं ना कहीं हार्म्स हैं, उससे कहीं ना कहीं ज्यादा उसका नुकसान है। को देखिए अगर आप बेनिफिट्स की बात करेंगे तो किसी भी टाइप का बेनिफिट नहीं है। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की बात करेंगे तो वो भी बहुत ज्यादा कोई अच्छा मतलब अच्छे से प्रोड्यूस नहीं करता है। उसका क्या एक्जैक्टली फिनोमेना है उसको हम थोड़ी देर में समझेंगे। देखिए इस पर्टिकुलर इमेज को देखिए, आपको यहाँ पर जापान दिख रहा है, ठीक है, दिस इज एंटायर जापान। नाउ जापान की देखिए जापान बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइडेड है, नॉर्थ मिडल एंड साउथ, ठीक है। तो अगर आप तीन देखेंगे तीन पार्ट में बेसिकली डिवाइड है, तो जो बीच वाला पार्ट है ना उसी के अंदर यहां पर देयर इज अ प्लेस कॉल्ड एज फुकुशिमा दाइची, यहां भी प्रेजेंट था और यहां पर जो भी मतलब अर्थक्वेक और सुनामी आया था उसके कारण काफी ज्यादा प्रॉब्लम यहां पर इंक्रीज हो गई थी और जितने भी आसपास का एरिया था उन सब में जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है वो सब फैल गया था। अब इंडिया के कुछ न्यूक्लियर प्लांट्स के बारे में बात करते हैं। देखिए रिसेंटली 2021 के लास्ट मंथ यानी कि दिसंबर के अंदर इंडियन गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट के अंदर कुछ यहां पर स्टेटमेंट्स रखे थे जहां पर उन्होंने फर्स्ट स्टेटमेंट यह बोला था कि अभी राइट नाउ इंडिया टोटल 10 इंडिजीनियस रिएक्टर्स बनाने की कोशिश कर रहा है और इसके अलावा इंडिया ने टोटल 28 एडिशनल रिएक्टर्स के लिए भी अप्रूवल दे दिया है जिसके अंदर 24 ऐसे रिएक्टर्स हैं जो कि फ्रांस यूएसए और रशिया से आने वाले हैं। देखिए जस्ट रिमेंबर दीज नेम्स फ्रांस यूएसए एंड रशिया। अभी हम थोड़ी देर में तीनों का जो इंडिविजुअल केस स्टडी है उसको भी समझने वाले हैं कि एक्जैक्टली फ्रांस यूएसए और रशिया का जो नो इंडिविजुअल रिएक्टर्स है वो किस तरीके से काम करते हैं और क्या वहां पे रिएक्टर्स बेनिफिशियल रहे या फिर नहीं रहे, तो आपको बस ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। तो 2021 के अंदर गवर्नमेंट ने क्या बोला, 10 यहां पर इंडिजीनियस रिएक्टर बनाएंगे मतलब इंडिया उसको खुद बनाएंगे और अपार्ट फ्रॉम दिस टोटल 28 और रिएक्टर बनाएंगे जिसमें से 24 जो है वो फ्रांस रशिया एंड यूएसए इन तीनों से लेंगे, ठीक है, बाकी चार कहीं और से लेंगे मतलब वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट जो हम 24 लेने वाले हैं हम इसके बारे में बात करते हैं। देखिए जब फुकुशिमा 2011 के अंदर मतलब जब फुकुशिमा एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज ने क्या किया था, अपने अपने ट्रेंड्स को चेंज कर दिया था, जहां पर उन्होंने क्या किया था न्यूक्लियर जो भी पावर्स वगैरह उसको रिड्यूस करना स्टार्ट कर दिया था बिकॉज वो जानते हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट जितना बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा है उससे ज्यादा कहीं ना कहीं हार्म कर रहा है आसपास का एरिया। अगर गलती से भी एक पर्टिकुलर एक्सीडेंट या फिर डिजास्टर हो गया तो आसपास का एरिया पूरी तरीके से इनहैबिटेबल हो जाता है, वहां पर ह्यूमंस रह भी नहीं सकते फिर उसके बाद। एंड दिस इज नॉट जस्ट फॉर वन और टू ईयर्स, आपको याद है चेर्नोबिल एक्सीडेंट, चेर्नोबिल जो कि यूक्रेन के अंदर हुआ था मतलब विच एक्चुअली हैपेंड इन 1980s के आसपास में, माना जाता है कि जो साइंटिस्ट वगैरह उन्होंने जब इसके बारे में मतलब खोजबीन की और इसके बारे में एविडेंसेस किए तो उन्होंने बोला नेक्स्ट 24,000 ईयर्स के लिए मतलब 24,000 ईयर्स इतने सालों तक कोई भी ह्यूमन यहां पे मतलब वायबली सस्टेन नहीं कर सकता है, मतलब प्रॉपरली रह नहीं सकता है। दिस इज द काइंड ऑफ इंपैक्ट एक न्यूक्लियर डिजास्टर जो है ह्यूमैनिटी के ऊपर डाल सकता है। सिमिलरली फुकुशिमा के बाद बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज ने अपने अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट को रिड्यूस करना स्टार्ट कर दिया बिकॉज उनको पता था कि अगर गलती से भी कोई भी एक्सीडेंट हो गया तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। अगर आप एक चीज को समझिए, देखिए अगर आप न्यूक्लियर बेनिफिट्स के देखिए अगर तो ऐसा होता कि न्यूक्लियर एनर्जी बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करिए तो समझ आता, बट द पॉइंट इज कि न्यूक्लियर एनर्जी ना ही एक टाइप का इकोनॉमिकल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बहुत ही ज्यादा महंगी है जो न्यूक्लियर एनर्जी है, मतलब इसको बनाने के लिए आपको इतना सारा पैसा चाहिए और इवन आपने अगर बना भी लिया इस पर्टिकुलर न्यूक्लियर एनर्जी को उसके बावजूद इसको आपको सस्टेन करने के लिए बहुत ही ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ पैसा चाहिए होगा, मतलब अगर आप यहाँ पर न्यूक्लियर से एनर्जी बनाओगे भी तो आपका वो एनर्जी बहुत ज्यादा महंगा बिकेगा। माना जाता है कि एक पर्टिकुलर यूनिट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी अगर बन भी जाए तो ऑलमोस्ट 15 रुपए में बिकती है, मतलब 15 रुपए पर यूनिट के हिसाब से बिकती है। मैं आपको एक टाइप का कंपेरिजन देता हूँ, देखिए आगे हम इसके बारे में ऑल तो बात करने वाले हैं बट स्टिल मैं आपको कंपेरिजन देता हूँ कि एक अगर आप न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस करते हो मतलब न्यूक्लियर से अगर आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हो तो आपको 15 रुपए तक देना पड़ेगा पर यूनिट, बट अगर आप सेम अगर आप सोलर एनर्जी से करते हो तो आपको सिर्फ 2 रुपए देने पड़ते हैं पर यूनिट और अगर आप विंड एनर्जी करते हो तो आपको सिर्फ 3 रुपए देने पड़ते हैं मतलब पर यूनिट, ठीक है। यहां तक कि अगर आप जो आपका जो वाटर एनर्जी है मतलब जो टाइडल एनर्जी वगैरह उससे भी करते हो तो आपको सिर्फ 4 रुपए मतलब पर यूनिट देना पड़ता है, मतलब दिस इज द काइंड ऑफ प्राइस डिफरेंस। आप देख सकते हैं न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर ऑलमोस्ट 6 to 7 times ज्यादा पैसा पे करना पड़ता है एज कंपेयर टू सोलर एनर्जी विंड एनर्जी एंड
जो वाटर एनर्जी वगैरह प्रेजेंट है। तो क्यों हम एक्जैक्टली इस पर्टिकुलर एनर्जी के पीछे पड़े हुए हैं, यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम लगातार जो इंडियन पॉलिटिशियंस हैं, इंडियन जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको ये लगातार एक्सपर्ट्स वगैरह बता रहे हैं, बट द पॉइंट इज कि स्टिल दे आर नॉट बिकॉज दे आर नॉट रेडी टू लिसन। और उन्होंने फिर से एक नया प्लान बना लिया जहां पर वो 24 न्यू प्लान्स को लेना चाहते हैं। देखिए, तो हम समझते हैं एक्जैक्टली कि जो इकोनॉमिक सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्यों नहीं है, और सेकंड चीज इंडिया के क्लाइमेट गोल्स के अंदर क्यों न्यूक्लियर एनर्जी बिल्कुल भी हेल्प नहीं करने वाला है, उल्टा प्रॉब्लम को और ज्यादा इंक्रीज कर देगा। इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स टू माइंड इज कि व्हाई इज न्यूक्लियर एनर्जी नॉट इकोनॉमिकल। समझिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है उसको बनाने के लिए बहुत सारे कैपिटल चाहिए होता है, बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, बहुत सारा मनी का वो चाहिए होता है आपको, ठीक है, मनी का सपोर्ट चाहिए होता है, तो बहुत सारा कैपिटल इंटेंसिव है। सेकंड चीज, अगर आप देखेंगे राइट नाउ बहुत सारे जो वर्ल्ड के जो प्रोजेक्ट्स वगैरह है, अगर उन्होंने प्लान किया था कि एक पर्टिकुलर अमाउंट तक उस मतलब एक पर्टिकुलर प्लांट को बना लेना है, एक पर्टिकुलर न्यूक्लियर पावर प्लांट को बना लेना है, तो उस पर्टिकुलर अमाउंट के अंदर वो कभी भी आज तक बना नहीं पाए हैं, और उसका हमेशा जो पैसा है वो ओवररन हुआ है, मतलब उनका पैसा हमेशा फालतू गया है। देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। साउथ कैरोलिना जो कि साउथ कैरोलिना जो कि यूएसए के अंदर प्रेजेंट है, उसमें एक वीसी समर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट जो है उसको लॉन्च किया गया था। अब उस चीज को जब बनाने में मतलब उस चीज को जब बनाना स्टार्ट किया था तो ऑलमोस्ट $9 billion उसमें ऑलरेडी खर्च हो चुके हैं, $9 billion खर्च हो चुके हैं, और उसके बाद उसको अबंडन कर दिया गया बिकॉज ये सही से काम नहीं कर रहे हैं। मतलब दिस इज द काइंड ऑफ मतलब कॉस्ट बेनिफिट रेशियो जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। आपने यहां पर ऑलमोस्ट $9 billion पैसे खर्च किए साउथ कैरोलिना के अंदर, और दैट टू इन अ कंट्री कॉल्ड एस यूएसए, मतलब वन ऑफ द मोस्ट एडवांस पावर्स जो कि इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के अंदर है, उसके बावजूद उस चीज को सस्टेन नहीं कर पा, उस चीज को अबंडन करना पड़ गया। सिमिलरली अगर आप राइट नाउ देखेंगे, मतलब अगर आप अभी रिसेंटली ट्रेंड्स देखेंगे, तो जितने भी न्यूक्लियर एनर्जीज है उन सबका जो भी रेट्स वगैरह जो भी उनके प्राइसेस हैं वो लगातार चीप होते जा रहे हैं, वो लगातार रिड्यूस होते जा रहे हैं। अगर आप पिछले कुछ दिनों में देखेंगे, पिछले कुछ सालों में देखेंगे एक्चुअली, तो सोलर पावर प्लांट का जो इतने प्राइस है वो 90% ऑलमोस्ट डिक्लाइन हो गया है, और जो विंड टर्बाइन्स है उसका प्राइस ऑलमोस्ट 72% डिक्लाइन हो गया है। मतलब पिछले 2009 से लेकर 2021 यानी पिछले कुछ सालों के अंदर ऑलमोस्ट 90% एंड 72% इतना प्राइस डिक्लाइन देखा गया है सोलर और विंड एनर्जी के अंदर। सोलर एनर्जी को तो यहां तक कि 2020 के अंदर न्यू किंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोला गया था, बिकॉज सोलर एनर्जी को यूज करके मेजॉरिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जा सकता था, और उसको बहुत ही इकोनॉमिक तरीके से प्रोड्यूस किया जा सकता था। तो क्यों फिर हम यहां पर न्यूक्लियर एनर्जी के पीछे पड़े हुए हैं? देखिए, समझिए, जो न्यूक्लियर एनर्जी का अगर आप मतलब प्लांट्स के बारे में बात करेंगे तो मैं आपको कुछ डिफरेंट कंट्रीज के प्लान्स बताता हूं। देखिए, जब मतलब डिफरेंट कंट्रीज वगैरह को समझ आना स्टार्ट हुआ कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो वायबल नहीं है, मतलब सस्टेनेबल नहीं है, वो बहुत ज्यादा मतलब फायदा वगैरह प्रोवाइड नहीं कर रही है, तो फर्स्ट एग्जांपल आया यूएसए के थ्रू, मतलब यूएसए की तरफ से। 2008 में क्या होता है, यूएस की गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया था, मतलब 2008 के अंदर, कि 2030 आते आते उनका जो टोटल एनर्जी प्रोडक्शन होगा मतलब फ्रॉम न्यूक्लियर एनर्जी दैट विल बी अराउंड 114.9 गीगावाट्स, मतलब ऑलमोस्ट 114 गीगावाट्स के आसपास में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो चाहते थे कि न्यूक्लियर एनर्जी से प्रोड्यूस करें। बट फिर 2011 के अंदर क्या होता है, फुकुशिमा का जो डिजास्टर होता है वो होता है, और 2021 आते आते मतलब 10 साल के अंदर उनको ये चीज समझ आ गई कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं है, और राइट नाउ उन्होंने 114 गीगावाट्स का जो मतलब एम है उसको रिड्यूस करके 83 गीगावाट्स कर दिया है। मतलब दे हैव ऑलमोस्ट कट डाउन देयर एम बाय ऑलमोस्ट 40% के आसपास में, ठीक है, मतलब 40% के आसपास में उन्होंने जो अपना एम है उसको रिड्यूस कर दिया। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप पूरी ग्लोबल का ट्रेंड भी देखेंगे तो 1996 के आसपास में, मतलब 1990 से अगर आप आसपास में देखेंगे, तो 17.5% जो टोटल वर्ल्ड की इलेक्ट्रिसिटी है वो कहीं ना कहीं न्यूक्लियर पावर प्लांट से आया करती थी, और 2020 आते आते ये भी रिड्यूस होकर 10% के आसपास आ गई है। मतलब नॉट जस्ट यूएसए बट मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज उन्होंने अपने अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को यहां पर यूज करना कम कर दिया है, और यहां तक उन्होंने जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह है उसको मतलब निकालने के लिए, उसको यहाँ पे प्रोड्यूस करने के लिए सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, उन सब एनर्जीज का यूज करना स्टार्ट कर दिया, अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लियर एनर्जी को उन्होंने धीरे धीरे रिड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। अगर आप यहाँ तक इंडिया की बात करेंगे, इंडिया भी अपना जो न्यूक्लियर एम्बिशन है उसको भी ड्रास्टिकली उन्होंने कट करना स्टार्ट कर दिया, उसको रिड्यूस करना स्टार्ट कर दिया है, बट स्टिल उन्होंने फिर से अपना कहीं ना कहीं जो प्लान है उसको इंक्रीज किया है। देखिए, 2008 के अंदर इंडिया ने यह प्लान किया था कि हम 2050 तक यानी कि दिस बाय द हाफ ऑफ दिस पर्टिकुलर सेंचुरी हम 650 गीगावाट्स का जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको हम न्यूक्लियर एनर्जी के थ्रू प्रोड्यूस करेंगे। अब 2010 आते आते हमने सोचे 650 गीगावाट, मतलब 650 को हमने रिड्यूस करके 35 पे ले, मतलब सोचिए 650 और 35, मतलब देर इज नो मैच, दिस इज द काइंड ऑफ रिडक्शन दैट वी डिड इन द मतलब लास्ट 10 to 12 years। बट द पॉइंट इज कि एक बार फिर से 24 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को बनाना, दैट इज द बिगेस्ट डील, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो कि राइट नाउ इंडिया कहीं ना कहीं कॉज कर सकता है। इसके अलावा देखिए, यहां पर देखिए, हमने 650 गीगावाट्स का प्लान बनाया था 2010 के आसपास में, 2020 आते आते हमें इस बात को समझ आ गई कि मतलब समझ आ गई कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो बहुत ज्यादा सस्टेनेबल नहीं है, वायबल नहीं है, तो उसको रिड्यूस करना बहुत जरूरी है, तो उसको रिड्यूस करके हम 35 गीगावाट्स के आसपास में ले। अब राइट नाउ देखिए, ऑल्दो हमने प्लान किया 35 गीगावाट्स 2020 तक, बट उस चीज को अगर आप देखेंगे तो 6.78 गीगावाट्स ही हम इसको प्रोड्यूस कर पाए। सोचिए, 2022 का हमारा प्लान था 35 गीगावाट्स, बट हम ऑलमोस्ट 2020 का प्लान था हमारा 2022 के अंदर आ चुके हैं, बट हमने इसका ऑलमोस्ट 1/5 भी अभी तक अचीव नहीं किया है, मतलब वी हैव नॉट इवन अचीव 7 गीगावाट्स। तो पॉइंट इज, इंडिया ने इतना बड़ा, सबसे पहली बात है, इंडिया ने इतना लार्ज टारगेट रखा कैसे था 650 गीगावाट्स बाई
2050 का टारगेट जो था इंडिया का, उन्होंने रखा कैसे था, दैट वॉज थ्रू इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर डील। 2005 के अंदर इंडिया और यूएसए दोनों आपस में सिविल न्यूक्लियर डील करते हैं, जहां पर उन्होंने बोला कि मिलिट्री पर्पस के लिए तो नहीं बट सिविल पर्पसेस के लिए हम एक दूसरे को न्यूक्लियर वगैरह प्रोवाइड करेंगे। एक दूसरे को तो क्या ही प्रोवाइड करेंगे, यूएसए इंडिया को प्रोवाइड करेगा, ठीक है, बिकॉज उस टाइम यूएसए के पास काफी था, इंडिया के पास नहीं था। तो यूएस ने बोला हम इंडिया को प्रोवाइड करेंगे, बट द पॉइंट इज कि अभी तक यूएसए ने किसी भी टाइप का मतलब न्यू न्यूक्लियर प्लांट वगैरह इंडिया के अंदर नहीं बनाया, किसी टाइप का न्यू न्यूक्लियर डील वगैरह अभी तक इंडिया साइन नहीं किया। उसके कारण ये चीज जो है ये प्लान सिर्फ प्लान्स में रह गया, ये चीज आगे जाकर ये मतलब यू नो कॉन्ट्रेरी ये सब नहीं हो पाया, ठीक है, मतलब कॉन्क्रीट नहीं हो पाया सब चीजों को। अब एक ही समझने वाली बात है कि डिस्पाइट द फैक्ट 2005 के अंदर ये प्लान किया गया था और अभी 2022 यानी कि ऑलमोस्ट हम 17 ईयर्स हो चुके हैं, बट स्टिल अभी तक इन प्लान को यहां तक छोड़ा नहीं गया, कैंसिल नहीं किया गया। अभी तक इंडियन गवर्नमेंट जो कहीं ना कहीं होपफुल है कि जो यूएस की गवर्नमेंट है वो इंडिया को मतलब इंडिया के अंदर बेसिकली न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को बनाने में हेल्प करेगी। अब समझते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का एनालिसिस क्या है, क्या एक्जैक्टली मेन प्रॉब्लम्स है। देखिए टोटल हम 24 फॉरेन डायरेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं जो कि यूएस फ्रांस और रशिया से लाने वाले हैं, उसमें से 6 ऐसे हैं जो कि वीवीईआर टेक्नोलॉजी से बनते हैं। वीवीईआर का मतलब होता है वाटर वाटर एनर्जेटिक रिएक्टर, ठीक है। सो वीवीईआर का मतलब है वाटर वाटर, देखिए इस वी से कंफ्यूज मत होइएगा, वी का मतलब यहां पर वाटर है, ठीक है। सो वाटर वाटर एनर्जी जो एनर्जेटिक रिएक्टर है वो एक ऐसा रिएक्टर है, इसमें से मतलब टोटल 24 में से टोटल 6 प्लांट्स ऐसे हैं जो कि वीवीआर की टेक्नोलॉजी के ऊपर बनने वाले। अब देखिए जो वीवीआर की टेक्नोलॉजीज है ना वो एक ऑलरेडी हमारे इंडिया के अंदर बनी हुई है, दैट इज इन तमिलनाडु कुन्नन, जो कुदानकुलम आपको नाम का प्लेस होगा, यहाँ पर एक टाइप का न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रेजेंट है इंडिया का। अब देखिए इस पावर प्लांट के अंदर हमने सेम जो वीवीईआर टेक्नोलॉजी है उसको हमने यूज किया। द पॉइंट इज कि इस वीवीआर टेक्नोलॉजी के कारण आज तक हम इस पर्टिकुलर प्लांट से अच्छे तरीके से न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस नहीं कर पाए हैं, बिकॉज हमेशा इसके अंदर कुछ ना कुछ ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स लगी रहती है। सोचिए हम ऑलरेडी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम मतलब सेम प्रॉब्लम हम ऑलरेडी जूझ रहे हैं और इस सेम टेक्नोलॉजी के ऊपर हम 6 न्यू मतलब ऐसे प्लांट्स बना रहे हैं, तो हो सकता है कि आगे जाकर जितने भी बाकी जो न्यू प्लांट्स बनेंगे उनका भी जो ऑपरेशन प्रॉब्लम है वो लगातार इंक्रीज हो जाए। सिमिलरली अगर आप कुदानकुलम के टोटल 2 रिएक्टर्स है नंबर 1 एंड नंबर 2, अगर आप दोनों की बात करेंगे तो उनकी एफिशिएंसी जस्ट 50% के आसपास में, मतलब एक की 53% है और एक की 52% है, मतलब 2 डिफरेंट रिएक्टर्स हैं बट दोनों अभी तक मतलब ऑप्टिमली और एफिशिएंटली एनर्जी को प्रोड्यूस भी नहीं कर पा रहे, मतलब जितनी उनकी कैपेसिटी है उसका सिर्फ आधे के आसपास ही एनर्जी को लोग राइट नाउ प्रोड्यूस कर पा रहे। ये तो हो गया 6 के बारे में। अब 6 के अलावा टोटल 12 रिएक्टर्स और हैं। देखिए हम इस 24 के बारे में ब्रेकअप कर रहे हैं, ठीक है, हम इस 24 का ब्रेक कर रहे हैं, तो इस 24 का ब्रेक कीजिए तो 6 तो हमने देखा कि ऐसे हैं जो कि वीवीआर टेक्नोलॉजी के ऊपर बन रहे हैं। अब बाकी जो 12 है दे आर एक्चुअली फॉर्मिंग ऑन टेक्नोलॉजी कॉल्ड AP1000 रिएक्टर्स, मतलब AP1000 बेसिकली एक टाइप का यूएस का रिएक्टर है और उसी के बेसिस पे इंडिया अपने 12 डिफरेंट रिएक्टर्स को बनाने की बात कर रहे हैं। द पॉइंट इज ये सेम ऐसे रिएक्टर्स हैं जो कि साउथ कैरोलिना के अंदर बनाए गए थे और जिनको यूएसए खुद अबैंडन कर चुका है। मतलब सोचिए साउथ कैरोलिना के अंदर एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर 9 बिलियन से ज्यादा लगाने के बाद जब उनको समझ आया कि ये चीज बिल्कुल भी वायबल नहीं है, काम की नहीं है, तो उन्होंने इस चीज को अबैंडन कर दिया। बट डिस्पाइट द फैक्ट सोचिए यूएसए ने इसको अबैंडन कर दिया और अब इसको इंडिया ने उठा लिया और अब इंडिया इसको बोल रहे हैं कि इंडिया मतलब इंडिया इस चीज को बनाएगी। द पॉइंट इज इंडिया को ये किसी भी हालत में बिल्कुल बेनिफिशियल नहीं होगा, बिकॉज अगर अ कंट्री लाइक यूएसए जिन्होंने इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर ऑलमोस्ट $9 बिलियन और बहुत सारा डिफरेंट ईयर प्रोवाइड किया है ना, अगर उन्होंने टाइम एंड मनी इसको दिया है और उसके बावजूद अगर वो उस चीज को सक्सेसफुल नहीं कर पाए हैं, सो इंडिया के लिए भी कहीं ना कहीं ये शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होने वाला है, ठीक है। इसे कारण देखिए अगर आप साउथ कैरोलिना के डिफरेंट जो रिएक्टर्स वगैरह उनकी अगर आप बात करेंगे तो दिस इज नॉट द ओनली थिंग, सिर्फ ऐसा नहीं है कि बहुत सारा मतलब टाइम लगा है और इसको अबैंडन करना पड़ गया। सेकेंड चीज ये था कि स्टार्टिंग में ये प्लान किया गया था कि सिर्फ एक पर्टिकुलर रिएक्टर यानी कि AP1000 रिएक्टर उसको बनाने के अंदर अराउंड $14 बिलियन लगेगा एक को बनाने में, बट जैसे जैसे टाइम बीता गया वैसे वैसे इसका कॉस्ट इंक्रीज हो गया और फाइनली इसको बनाने में ऑलमोस्ट $30 बिलियन लग गया, बट उसके बावजूद अभी तक साउथ कैरोलिना का जो यहाँ पर रिएक्टर है वो पूरी तरीके से फंक्शनल नहीं हुआ, पूरी तरीके से काम करना स्टार्ट नहीं किया। दिस इज द काइंड ऑफ प्रॉब्लम, ये मेन प्रॉब्लम है कि कॉस्ट यहाँ पर बहुत ज्यादा ओवर रन हो रहे हैं। अब देखिए हमने टोटल 24 रिएक्टर्स के बारे में बात की थी, 6 तो आते हैं वीवीआर टेक्नोलॉजी से, 12 हमने देखा जो कि AP1000 टेक्नोलॉजी से आते हैं। अब जो बाकी जो 6 बच गए, देखिए ना 12, 6, 18, 6, 24 वो जो बाकी बच गए दे आर ऑन डिजाइन कॉल्ड EPR और EPR जो होता है वो हम फ्रांस से लेते हैं, ठीक है, फ्रांस से लेते हैं। तो ये वाला वीवीआर हम लेते हैं रशिया से, AP1000 लेते हैं यूएसए से और जो EPR टेक्नोलॉजी है दैट कम्स फ्रॉम द फ्रांस। अगर फ्रांस की बात करेंगे तो राइट नाउ फ्रांस अभी तक अपने खुद के कंट्री के अंदर प्रॉपरली इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को बनाने में अनसक्सेसफुल रहा है। अभी जो फ्लैनवाइल नाम का एक टाइप का न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कि फ्रांस के अंदर प्रेजेंट है, वहां पर एक पर्टिकुलर प्लांट को बनाने का उन्होंने जो एवरेज जो एम बनाया था, जब जो एम बनाया था दैट वाज अराउंड £3 बिलियन, ठीक है, £3 बिलियन का उन्होंने एम बनाया था, बट अभी तक उसके ऑलरेडी 12.4 बिलियन से ज्यादा ऑलरेडी खर्च हो चुके हैं पाउंड्स के अंदर, बट अभी तक वो पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है।
अभी तक पर्टिकुलर ये ईपीआर प्लांट कंप्लीट नहीं हुआ है। सोचिए हम तीन डिफरेंट टेक्नोलॉजी से, हम तीन डिफरेंट कंट्रीज से यहाँ पर इस टेक्नोलॉजी को लेने की बात कर रहे हैं। फर्स्ट इज एक्चुअली रशिया। रशिया से हम 6 वीवीआर ले रहे हैं। वीवीआर अभी तक रशिया के अंदर खुद ही पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं है। सिमिलरली हम यूएसए से AP-1000 ले रहे हैं, ये उनके अपने खुद की कंट्री के अंदर अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुआ है। सिमिलरली हम फ्रांस से ईपीआर ले रहे हैं, फ्रांस अभी तक इस चीज को बनाने में पूरी तरीके से अनसक्सेसफुल रही है। मतलब हम तीन ऐसी टेक्नोलॉजीज को उठा रहे हैं कहीं ना कहीं जो अपनी अपनी कंट्री के अंदर पूरी तरीके से अनसक्सेसफुल रही है, और मतलब जो चीज बहुत अच्छे तरीके से परसीव नहीं कर पा रही है। तो अगर वो खुद की कंट्री के अंदर अच्छे से नहीं कर पाए हैं तो इंडिया के अंदर कैसे ये चीज बहुत ज्यादा अच्छा हो पाए। अपार्ट फ्रॉम दिस एक प्रॉब्लम यहां पर और है, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी का पर यूनिट कॉस्ट। समझते हैं, न्यूक्लियर पावर जो न्यूक्लियर सोर्स है हम उसकी तरफ क्यों मूव कर रहे हैं? हम मूव कर रहे हैं ताकि हम फॉसिल फ्यूल से अलग हो सके, राइट? हम फॉसिल फ्यूल का एक टाइप का ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं, तो उसके लिए हम न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास भी गए। Now, ये एक अंदाजा लगाया जाता है, एक टाइप का एस्टिमेट लगाया जाता है कि 2013 के अंदर जो 6 प्लांट ईपीआर, आप जानते हैं ईपीआर कहां से लिया गया, फ्रांस से लिया गया है, वो ईपीआर जो कि जैतापुर महाराष्ट्र के अंदर उसको बनाने की कोशिश की जा रही थी, अगर ये बन गया होता तो एक यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन का कॉस्ट जो है अराउंड ₹15 पर यूनिट लगता। मतलब दिस इज द काइंड ऑफ कॉस्ट। सोचिए अगर आप किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर रहते हैं, यू कैन चेक आउट योर इलेक्ट्रिसिटी बिल। आपका जो राइट नो जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल होगा, दैट विल बी नॉट मोर देन 6 या फिर मैक्सिमम ₹8 से ज्यादा नहीं होगा। मतलब दिस इज द काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल जो कि हम राइट नो प्रोड्यूस करते हैं, या फिर जिस पर्टिकुलर बिल के ऊपर हम इलेक्ट्रिसिटी अभी तक, मतलब अभी हम राइट नाउ पे करते हैं। सोचिए आपका अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल डायरेक्टली डबल या फिर ट्रिपल हो जाए, दिस इज द काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। सोचिए अगर हम न्यूक्लियर पावर प्लांट से अगर एनर्जी को बना भी लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को बना भी लेते हैं, तो उसका चार्ज इतना ज्यादा हाई होगा कि जो कॉमन लोग हैं, कॉमन पीपल है, वो चीज को यूज ही नहीं कर पाएंगे। और ये ₹15 तो यहां पर एक्सपर्ट्स के द्वारा बोला जा रहा है कि सिर्फ एक टाइप का अंडर एस्टिमेट है। जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे इसका कॉस्ट भी बढ़ता जाएगा। हो सकता है इसका कॉस्ट आगे जाकर ₹25 पर यूनिट हो जाए। अगर सोचिए ₹25 पर यूनिट अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना पड़ रहा है, मतलब अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी के लिए पे करना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। लोग इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, यूज नहीं कर पाएंगे प्रॉपर्ली। नाउ इसको हम थोड़ा सा मतलब कंपेयर करके देखते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ईपीआर का हमने देखा, ईपीआर का बहुत ज्यादा है। सिमिलरली जो AP-1000 रिएक्टर्स है उसका भी बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है, उसका भी जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। इसको हम जरा कंपेयर करते हैं सोलर पावर से, विंड पावर से। अगर आप सोलर पावर से बात करेंगे तो एक पर्टिकुलर यूनिट को जो राइट नाउ बेचा जा रहा है हमारे इंडिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर, दैट इज अराउंड ₹2.14। मतलब एक यूनिट के बदले सिर्फ ₹2 पे करने पड़ रहे हैं। सिमिलरली अगर आप सोलर विंड की बात करेंगे तो अराउंड सिर्फ ₹2.3 पे करने पड़ रहे हैं। मतलब अगर आप इसको कंपेयर करेंगे, यहाँ पर जो न्यूक्लियर एनर्जी है हमें एक यूनिट के बदले में ऑलमोस्ट ₹15 पे करना पड़ेगा। मतलब जितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे उतना ज्यादा आपको पे करना पड़ेगा। बट यहाँ पर अगर आप सोलर एनर्जी को यूज करते हैं तो सिर्फ ₹2.14, और अगर आप विंड एनर्जी को यूज करते हैं तो सिर्फ ₹2.3। एंड सिमिलरली अगर आप स्टोरेज, जो आपको याद होगा जो स्टोरेज वाटर को थ्रू जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के थ्रू जितना भी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह प्रोड्यूस किया जाता है, उसका भी राइट नाउ सिर्फ 4.3%, मतलब ₹4.3 ही एक यूनिट का यहाँ पर चार्ज किया जाता है। But this is the kind of price differences that we are talking about, and that's why India should actually abandon nuclear power plant और बाकी जितने भी type के जो renewable energy के जो sources वगैरह हैं उसके ऊपर main focus करना चाहिए। India की main specific concerns क्या क्या हैं? देखिए सबसे पहली बात तो अगर इस nuclear energy को बना भी लिया जाता है तो इसका rate इतना ज़्यादा competitive है कि शायद लोग इसको afford नहीं कर पाएंगे, और उसके लिए बहुत ज़्यादा इसको subsidize करना होगा by government of India। अगर government of India इसको subsidize करेगी तो obviously बात है government of India यहाँ पे loss में जाएगी, because ये फालतू में इतना पैसा यहाँ पर मतलब subsidize करना होगा। और ये सारे का सारा चीज जो है वो कहने के न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो NPCI हमारी उस चीज के अंदर आता है। सोचिए हमारी NPCI के पास ऑलरेडी फंडिंग की प्रॉब्लम होती है। आपने लगातार न्यूज सुना होगा जो फंड क्रंचिंग है NPCI के अंदर वो काफी ज्यादा है। सोचिए अगर यहाँ पर उनको एक टाइप का न्यू सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड करने पड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लोकल लोग ऐसे हैं जो कि लगातार इस पर्टिकुलर प्रोटेस्ट के अंदर या फिर कोई भी ऐसा जो भी प्रोजेक्ट वगैरह होता है उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करते हैं। अब गुजरात का एग्जांपल देखिए, 2018 के अंदर चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात ने यह बोला था दैट देयर इज अ प्रोजेक्ट कॉल्ड एज मीठीवाड़ी न्यूक्लियर प्रोजेक्ट जो कि गुजरात के अंदर प्रेजेंट है। अब जैसे ही फुकुशिमा का डिजास्टर हुआ था 2011 के अंदर, तो लोगों को समझ आ गया एक चीज कि अगर ये मतलब ये पर्टिकुलर यहां पर प्लांट रहा और गलती से भी अगर एक्सीडेंट हुआ तो आसपास का पूरा एरिया लिटरली गायब हो जाएगा। इस चीज के कारण जितने भी लोकल्स लोग थे उन्होंने इस चीज के अगेंस्ट काफी ज्यादा प्रोटेस्ट किया था, और उसके कारण ऑलमोस्ट उसको हॉल्ट पे डालना पड़ गया था। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप लैंड की बात करेंगे, देखिए एक तरफ तो होता है जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो जहां रहेगा ऑब्वियसली ह्यूमन का मतलब लॉस होगा, राइट? जो प्रॉपर्टी वगैरह उसका लॉस होगा, बट द पॉइंट इज अपार्ट फ्रॉम दिस जो वो लैंड होता है ना वो पूरी तरीके से इनहैबिटेबल हो जाता है, यहां तक कि अनयूजेबल हो जाता है। मतलब उस पर्टिकुलर लैंड को आप शॉर्ट टर्म के अंदर दोबारा यूज कर ही नहीं सकते। और जैसे मैंने आपको चेर्नोबिल का बताया, चेर्नोबिल को बोला जा रहा है कि उस लैंड को फिर से यूज करने में ऑलमोस्ट 24,000 ईयर्स लगने वाले हैं। मतलब दिस इज द काइंड ऑफ टाइम फ्रेम दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। हमारे मतलब 10-12 जनरेशन निकल जाएंगे उसके बावजूद हम इस पर्टिकुलर लैंड को यूज नहीं कर पाएंगे, राइट? और उसके अलावा अगर आप उस पर्टिकुलर एरिया को क्लीन अप भी करना चाहेंगे, जैसे फुकुशिमा के आसपास के एरिया को क्लीन करने की कोशिश की गई है, तो उसका टोटल सोचिए $600 बिलियन। दिस इज द काइंड ऑफ एस्टिमेट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट।
राइट नाउ इंडिया की जो टोटल जीडीपी है दैट इज अराउंड 3 ट्रिलियन के आसपास में, बट 3 ट्रिलियन हम रुपीज के अंदर है, ठीक। अगर आप इसको करेंगे मतलब इसको अगर आप ब्रेक करेंगे तो वी आर अराउंड 100 बिलियन डॉलर के आसपास में, ठीक है। अगर मतलब दिस इज द काइंड ऑफ जीडीपी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, सोचिए सॉरी वो मतलब 1000 बिलियन डॉलर का जो हमारा जीडीपी है उसके आसपास में अगर आप डॉलर के टर्म्स में देखें तो, अगर सोचिए 1000 डॉलर जीडीपी मतलब 1000 डॉलर का हम जीडीपी प्रोड्यूस कर रहे हैं एक पर्टिकुलर साल के अंदर, और उसमें से 600 बिलियन डॉलर हमारा सिर्फ यहाँ पर एक न्यूक्लियर डिजास्टर को साफ करने में जा रहा है, तो आपको लगता है क्या बिल्कुल भी सस्टेनेबल है, फर्वाइवल हो सकता है? ये तो सिर्फ यहाँ पर लैंड को सफाई करने के लिए होता है, अगर उसके अलावा आपको फिर से यहाँ पर हैबिटेशन करना है, फिर से लोगों के रहने के लायक बनाना है, तो इस चीज को और ज्यादा इंक्रीज कर दीजिए, टेक इट टू अराउंड 1000 बिलियन डॉलर्स, एंड दैट इज द काइंड ऑफ थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट। मतलब इतनी बड़ी प्रॉब्लम एक कहीं ना कहीं न्यूक्लियर डिजास्टर कॉज कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी की बात यह है, देखिए हम जानते हैं कि राइट नाउ इंडिया ऑल्दो इंडिजीनियस मतलब रिएक्टर्स को बनाना चाह रहा है, बट इसके बावजूद इंडिया के पास बहुत ज्यादा भी इंडिजीनियस रिएक्टर्स की कैपेबिलिटीज नहीं है, राइट। हमारे पास उतनी अच्छी टेक्नोलॉजीज नहीं है अभी, तभी तो हम नहीं बना रहे। अगर हमारे पास टेक्नोलॉजीज होती तो हम दूसरे कंट्री से क्यों खरीदते, राइट। तो राइट नाउ जो हम AP1000 खरीद रहे हैं, जो कि यूएसएस खरीद रहे हैं, EPR जो हम फ्रांस से खरीद रहे हैं, और वॉसगेस जो वगैरह हम जो खरीद रहे हैं, ये सब जो हम डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से खरीद रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं दूसरे कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट है। अब एक चीज समझिए, सोचिए अगर कोई दूसरी कंट्री का कोई कंपनी है जो कि हमारी कंपनी हमारी कंट्री को आके यहाँ पे न्यूक्लियर पावर वगैरह प्रोवाइड करता है, हमें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है, और कल को आकर अगर हमारे यहाँ न्यूक्लियर एक्सीडेंट या फिर न्यूक्लियर डिजास्टर होता है, तो इसका लायबिलिटी मतलब किसके पास होनी चाहिए? क्या लायबिलिटी इंडियन लोगों के पास होनी चाहिए, क्या लायबिलिटी NPCI के पास होनी चाहिए, या फिर ये लायबिलिटी इनके पास जानी चाहिए जिनके देखरेख के अंदर ये सारा का सारा हो रहा है? टेक्निकली दिस एंटायर थिंग शुड गो टू दीज पीपल, राइट, जो कि अपना अपना टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं। बट अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इंडिया के अंदर सबसे बड़ी चीज ये है कि इंडिया के अंदर उन लोगों को जो भी इंडिया के अंदर जो मतलब मैन्युफैक्चरर्स वगैरह हैं जो कि वहां से मतलब अपना टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं, उनकी कोई लायबिलिटी नहीं है। एंटायर लायबिलिटी इज विद NPCI नेशनल जो मतलब जो हमारी नेशनल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है, उस चीज के ऊपर हमारी पूरी लायबिलिटी है। मतलब उसका सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना, किसी भी टाइप की लायबिलिटी को प्रॉपरली फेस करना, पेनल्टी फेस करना, ये सब के सब हमारे NPCI के अंदर आता है। मतलब जिन्होंने एक्चुअली जो टेक्नोलॉजीज लेकर आए हैं, क्या पता उनकी टेक्नोलॉजी इतने अच्छे से हैवी या फिर नहीं है। अगर नहीं है तो फिर क्यों हम उनके मतलब लायबिलिटी को अपने ऊपर ले रहे हैं? दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स। अगर आप सिंपल से टर्म्स में समझेंगे, जो मैन्युफैक्चरर्स वगैरह जो कि दूसरे कंट्री से आ रहे हैं, जो कि अपने खुद के कंट्री के अंदर इस चीज को सस्टेनेबल नहीं बना पाए हैं, वो बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम आपके कंट्री के अंदर आके इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को ये बना देंगे, वो बना देंगे, बट द पॉइंट इज कि हम सब जानते हैं कि उनका खुद का क्लेम के बारे में वो खुद ही बिलीव नहीं करते हैं, बिकॉज दे डेमसेल्व्स नो कि उनका जो क्लेम है वो सही नहीं है। उन्हें खुद ही ये बात पता है कि उनका जो रिएक्टर है वो पूरी तरीके से सेफ नहीं है, एंड दैट इज वाई देखिए सोचिए अगर वो अपने रिएक्टर के सेफ्टी के बारे में जानते हैं, तो दो फैक्टर समझिए। पहली बात तो उनके खुद की कंट्री के अंदर वो चीज अभी तक क्यों पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाया, और सेकंड चीज अगर वो इस पर्टिकुलर चीज के रिएक्टर के सेफ्टी के बारे में जानते हैं, तो क्यों वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फेस करने को रेडी नहीं है? क्यों वो लायबिलिटी को अपने ऊपर लेने को रेडी नहीं है? क्यों वो लायबिलिटी से दूर भागना चाहते हैं? अभी तक हमारी कंट्री के अंदर किसी भी और इंडस्ट्री के ऊपर ऐसी लायबिलिटी दी नहीं जाती है, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर ही ऐसी लायबिलिटी वगैरह प्रोवाइड की गई है जो भी मैन्युफैक्चरर्स वगैरह उनको। अब देखिए लेट्स टॉक अबाउट द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज का एक्जेक्टली क्या इफेक्ट हो रहा है, एक चीज और समझिए। जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर जो एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं ना, उससे क्या होता है, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स वाटर में फैलता है, ठीक है, आसपास के लैंड के अंदर फैल जाता है, यहां तक कि जो बहुत सारे जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वो एयर के अंदर फैल जाते हैं, जिसके कारण ये काफी दूर दूर तक प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं। रिसेंटली जो ज़ापोरिज़्ज़ा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर जो फायरिंग हुई, मतलब जो बेसिकली जो फायर लग गया जो कि यूक्रेन के अंदर है, उसके मतलब उसका एक कहीं ना कहीं एक बैड इफेक्ट ये देखा जा रहा है। देखिए एक चीज समझिए, ये फायर जो देखा गया है ऑल्दो वो रशिया के कारण हुआ है, बट सिमिलरली एक और न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कि साउथ कोरिया के अंदर प्रेजेंट है, दैट प्लेस कॉल्ड हनुल न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि साउथ कोरिया के अंदर प्रेजेंट है, उसमें रिसेंटली एक फायर लग गया। नाउ वहां पर फायर क्यों लगा? वो फायर लग गया बिकॉज ऑफ वाइल्ड फायर। देखिए वाइल्ड फायर आपको पता है जंगल के अंदर जो आग लग जाती है, वो जंगल की आग अगर लगातार फैल जाए और वो फैलते फैलते किसी एक पर्टिकुलर चीज में लग जाए, दैट थिंग इज कॉल्ड एज वाइल्ड फायर। और यही वाइल्ड फायर सोचिए जंगल में लगी थी, वो पर्टिकुलर फायर जो है बढ़ करके हनुल न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर लग गई, और उसके कारण काफी ज्यादा डिजास्टर लिटरली होते होते बचे। मतलब दिस इज द काइंड ऑफ प्रॉब्लम दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। सोचिए एक तरफ हम यहाँ पर एक छोटा सा वॉर होता है, मतलब वॉर इन द सेंस रशिया ने यहाँ पर यूक्रेन के ऊपर अटैक किया, और उसके कारण देखिए दे इंटेंशनली डिड नॉट अटैक ऑन दिस पर्टिकुलर न्यूक्लियर पावर प्लांट, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड मतलब दिस पर्टिकुलर थिंग। उन्होंने इंटेंशनली इस चीज को अटैक नहीं किया, बट इसके बावजूद गलती से एक्सीडेंट हो गए। एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, एक्सीडेंट्स और डिजास्टर हमेशा प्लांड नहीं होते हैं, दे आर ऑलवेज बाय मिस्टेक, वो गलती से ही होते हैं, और लेकिन उसका जो भी रिजल्ट होते हैं, जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा होते हैं। दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। इसके अलावा 2020 के अंदर यूएसए के अंदर एक दुआने अर्नॉल्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रेजेंट है, जहां पर एक विंड स्टॉर्म के कारण, सोचिए एक विंड स्टॉर्म आया था, उसके कारण वहां पर आग लग गई और उसको ऑलमोस्ट बंद करना पड़ गया। और ये जो प्रॉब्लम्स है वो लगातार बढ़ती जाएंगी अगर ये वेदर इवेंट्स लगातार मतलब इंक्रीज होते जाएंगे। हमें पता है कि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज यहां पर इंक्रीज होगा, वैसे वैसे वाइल्ड फायर इंक्रीज होगा, वैसे वैसे जो ये विंड स्टॉर्म है वो भी इंक्रीज होगा, जितनी भी हीट है बेसिकली वो इंक्रीज होगा, हीट के कारण हो सकता है कि रिएक्टर वगैरह मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए। द पॉइंट इज की सारी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज के कारण भी जो न्यूक्लियर पावर प्लांट के डिजास्टर्स वगैरह हैं वो धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएंगे, और उसके कारण
एंड जो भी हमारी प्रॉब्लम है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। फाइनली लेट्स टॉक अबाउट द एंडिंग, क्या करना चाहिए हमें। फर्स्ट थिंग, एक चीज तो आप डेफिनेटली आपने अपना मन एटलीस्ट इस चीज में बना लिया होगा कि न्यूक्लियर पावर प्लांट, ऑल दो देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है कि कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी वो प्रोड्यूस करता है, बट द पॉइंट इज जितने उसके बेनिफिट्स हैं उससे ज्यादा उसके हार्मफुल है, राइट right? उससे ज्यादा वो हार्मफुल है। इसके कारण जो हमें मतलब जो भी हम इलेक्ट्रिसिटी वगैरह को प्रोड्यूस करते हैं उसके लिए हमें एक यू नो बेटर सोर्स ऑफ एनर्जी को हमें चूज करना होगा। यहाँ पर हमें कोशिश करनी होगी कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, उसकी तरफ जाना होगा ताकि हम न्यूक्लियर पावर जो सोर्सेस है उससे हम दूर जा सके। और सेकंड चीज, बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज ऐसे भी है जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट को डेवलप करने के प्रिटेक्स्ट पे न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह को बना रही है। तो अगर हम किसी तरीके से न्यूक्लियर पावर प्लांट को पूरी तरीके से रोक पाएंगे तो ऑटोमेटिकली हम न्यूक्लियर वेपन्स को भी पूरी तरीके से रोक पाएंगे, तो ये भी हमारे काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। सिमिलरली इंडिया की कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने में भी ये भी मतलब बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता है। तो क्यों हम इस चीज के ऊपर हम बिल्कुल पीछे पड़े हुए हैं, क्यों हम यहाँ पर 24 न्यू रिएक्टर्स वगैरह बनाना चाहते हैं, वो भी ऐसी टेक्नोलॉजीज को लेकर के जो कि पूरी तरीके से फेल टेक्नोलॉजीज है। सिमिलरली देखिए, हम जानते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेस वगैरह जो है बहुत लिमिटेड है, अगर उस रिसोर्सेस को हम बेटर तरीके से यूटिलाइज करेंगे, अगर हम बेटर जगहों पर यूटिलाइज करेंगे तो हमें ज्यादा फायदा होगा एज कंपेयर टू अगर हम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के ऊपर उसको यूज करना स्टार्ट करते हैं। बिकॉज देखिए हमारे पास एग्जांपल्स प्रेजेंट है जहां पर एक पर्टिकुलर ऐसा प्लान मतलब जो कि $14 बिलियन के अंदर साउथ कैरोलिना के अंदर बनाया जा रहा था, उस चीज को अभी तक $30 बिलियन के आसपास में लग चुके हैं, बट अभी तक वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ। दिस इज द काइंड ऑफ कॉस्ट इफेक्टिवनेस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। हम ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा फिर से डबल पे कर चुके हैं, बट अभी तक मतलब हम नहीं, आई मीन यूएसए इतना पे कर चुके हैं, बट इसके बावजूद अभी तक वो चीज कंप्लीट नहीं कर पाए, उसको फंक्शनल नहीं कर पाए। और ये बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स है, देखिए कॉस्ट हो गया, फिर एनवायरमेंटल डैमेज हो गया, अगर डिजास्टर हो गया तो उसका जो रिपरकशंस होते हैं, सब के सब प्रॉब्लम कहीं ना कहीं ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं न्यूक्लियर एनर्जी को बहुत ज्यादा अनवायबल बनाते हैं, जो कि इस चीज को फॉलो करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट ट्यूटोरियल। आई होप आपको चीज काफी डिटेल के अंदर और प्रॉपरली समझ आ गई होंगी। इसके अंदर हमने न्यूक्लियर एनर्जी को इतनी डिटेल के अंदर बात की कि अगर आपसे किसी भी चीज के बारे में कुछ भी पूछा जाएगा इस चीज के बारे में तो आप उसका आंसर दे सकते हैं। Alright, so let's talk about the next one। यहाँ हम टूरिज्म सेक्टर के फिर से रीओपनिंग के बारे में बात करेंगे थ्रू इंटरनेशनल ट्रैवलिंग, जो है सिंपल वर्ड्स में जो इंटरनेशनल एयरवेज वगैरह है उसकी रीओपनिंग के बारे में बात करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्टेक्स्ट क्या है, कॉन्टेक्स्ट ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, जो यूनियन कैबिनेट है, उन्होंने रिसेंटली डिसाइड किया है कि जो हमारा शेड्यूल कमर्शियल इंटरनेशनल फ्लाइट्स वगैरह है उसको हम रिज्यूम कर देंगे मार्च के लास्ट में हम इसको मतलब फिर से एक बार रिज्यूम कर देंगे, ताकि जितने भी टूरिज्म है और ट्रैवलिंग है, हॉस्पिटल सेक्टर्स हैं, इन सब के अंदर फिर से एक बार बूस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि ट्रैवल, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, ये सब के सब चीजें ऐसी हैं जो कि पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट पे काम करती हैं, राइट। देखिए ट्रैवलिंग तभी होगी ना जब कोई एक पर्टिकुलर इंसान अपने घर से निकलेगा और सेकंड जगह पर जाएगा। सिमिलरली टूरिज्म भी ऐसी होता है और हॉस्पिटैलिटी भी ऐसी होती है। पॉइंट इज कि पैंडमिक के कारण जो हमारा सोशल इंटरेक्शन बिल्कुल बंद हो गया था, जब हम लॉकडाउन के अंदर प्रेजेंट थे, मतलब हम लिटरली मतलब बंद थे, उसके कारण जो हमारा टूरिज्म और ट्रैवलिंग इंडस्ट्री ये सब का सब बिल्कुल बंद हो चुका था। तो रिसेंटली जो हमारा IATA नाम की बॉडी, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जो बॉडी है, उसने एक रिसेंटली एस्टिमेट शो किया जहां पर उन्होंने बोला है कि अगर आप ग्लोबल लेवल पर एविएशन इंडस्ट्री की बात करेंगे तो हमने ऑलमोस्ट $200 बिलियन से ज्यादा का लॉस लिया है बिटवीन 2020 और 2022। मतलब जब तक कोविड बेसिकली यहाँ पर प्रेवलेंट था उसके बीच में ऑलमोस्ट $200 बिलियन का हमें हमारे यहाँ पे लॉस हुआ है, उसके कारण प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अगर आप टूरिज्म इंडस्ट्री की बात करेंगे, टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए अगर एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज द एविएशन सेक्टर। सोचिए अगर कोई एक पर्टिकुलर यूएसए से या फिर यूके से अगर इंडिया के अंदर आना चाहता है तो वो मतलब आएगा कैसे, क्या वो ट्रेन के थ्रू आएगा? नो, बिकॉज ट्रेन, फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज नो कनेक्टिंग ट्रेन जो कि डायरेक्टली यूएसए और इंडिया को डायरेक्टली मतलब रखता है। और सेकंड चीज ये है कि जो मतलब ट्रेन या फिर कोई और जर्नी जो है, जो कनेक्टिंग जर्नीज है, दे आर टू लॉन्ग। तो ओनली सस्टेनेबल जर्नी जो है दैट इज एविएशन इंडस्ट्री। इसके कारण एविएशन इंडस्ट्री के बंद होने के कारण पूरी तरीके से टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी जो इंडस्ट्री है उसको भी पूरी तरीके से बंद होना पड़ गया था। इसके कारण इसका जॉब ग्रोथ पूरी तरीके से रिड्यूस हो गया था और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स वगैरह हो गई थी। देखिए 2020 के अंदर आप समझेंगे जब हम पूरी तरीके से लॉकडाउन के अंदर थे मार्च 2020 से, तब से इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज स्पेशली जो टूरिज्म के कारण था वो ऑलमोस्ट 76% रिड्यूस होकर के सिर्फ 50,000 करोड़ के ऊपर आ गया था। मतलब पीछे हमने क्या देखा, पीछे हमने देखा ऑलमोस्ट बिलियंस के अंदर इसका जो मतलब अर्निंग था वो जा रहा था, बट यहां पर हमने देखा कि इसका रिड्यूस होकर सिर्फ 1,000 करोड़ के अंदर आ गया था, मतलब 50,000 करोड़ के आसपास में। देखिए देखने में ये हो सकता है कि बहुत ही लास्ट नंबर लग रहा हो, बट अगर आप इंडिया एज अ बिग कंट्री की तरफ देखेंगे तो दिस इज बहुत ही स्मॉल नंबर है, बिकॉज हम यहां पर हर साल ऑलमोस्ट $5 बिलियन के आसपास का हम यहां पर टूरिज्म के अंदर वो करते हैं। मतलब हम इतना पोटेंशियल हमारा, बट इसके बावजूद अगर हम सिर्फ 1,000 मतलब कुछ 1,000 करोड़ कमाते हैं, दैट इज नॉट अ गुड साइन फॉर इंडिया राइट नाउ। और इसके अलावा 2020 और 2022 के बीच में जो कोविड आया था तो ऑलमोस्ट 21.5 मिलियन जॉब्स जो कि टूरिज्म के अंदर थे वो सबके सब लूज हो गए। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने जॉब मतलब खो दी, बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइवलीहुड खो दी। नाउ देखिए रिसेंटली गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इस चीज को ओपन अप करना है, और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो अभी हमारे इंटरनेशनल एरेना के अंदर और कौन कौन सी चीजें हो रही हैं। फर्स्ट चीज जो हो रहा है मतलब रशिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस वगैरह लगे हैं। रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगने के कारण सबसे बड़ी जो
दिक्कत हुई है, ऑयल एंड गैस का जो सप्लाई है वो यहाँ पर रिड्यूस हो गया है, उसके कारण जो ऑयल प्राइसेस है फिर से यहाँ पर इंक्रीज होने स्टार्ट हुए। अब आप जानते हैं किसी भी पर्टिकुलर व्हीकल को मूव करने के लिए ऑयल चाहिए। सिमिलरली जो एयरक्राफ्ट वगैरह है उसको मूव करने के लिए जो एक मतलब स्पेशल टाइप का एक टाइप का फ्यूल चाहिए होता है उसे कहते हैं ATF, उसे कहते हैं एविएशन टर्बाइन फ्यूल। ठीक है, तो ATF जो होता है वो इस चीज के लिए चाहिए होता है, और ATF भी जो होता है कहीं ना कहीं पेट्रोल और डीजल की तरह ही जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है उसी से बनाया जाता है। तो जैसा हमने देखा कि जो क्रूड ऑयल है उसका प्राइस यहाँ पर लगातार रिड्यूस हो गया, मतलब इंक्रीज हो गया। सिमिलरली जो ATF वगैरह है उसका प्राइसेस भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया। और अगर आप पिछले साल से कंपैरिजन करेंगे राइट में 2022 में, तो हमारा प्राइस ऑलमोस्ट 60% से ज्यादा इंक्रीज हो गया। मतलब अगर एक पर्टिकुलर फ्यूल का प्राइस अगर पहले 100 रुपए था तो अब वो 160 हो गया। मतलब दिस इज द काइंड ऑफ प्राइस राइज दैट वी टॉकिंग अबाउट। इसके अलावा इंडिया का जो खुद के जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है उन्होंने खुद के ATF के प्राइसेस जो है इस 60% के अलावा इस पर्टिकुलर साल में 5वीं बार इंक्रीज कर दिए। मतलब हम इतना ज्यादा यहाँ पर प्राइसेस को इंक्रीज कर रहे हैं कि हमारा जो यहाँ पर जो कमर्शियलिटी है, जो हमारे जो हमारी इकोनॉमिक वायबिलिटी है वो धीरे धीरे काफी ज्यादा रिड्यूस होना यहाँ पर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। अब देखिए, अगर आप फ्यूल कॉस्ट के बारे में बात करेंगे, एक पर्टिकुलर ग्लोबल एयरलाइन को प्रॉपर्ली मेंटेन करने के लिए, प्रॉपर्ली चलाने के लिए जितना भी पैसा वगैरह चाहिए होता है उसमें से 1/5 यानी कि 1/5 जो होता है वो उसके फ्यूल के अंदर जाता है। मतलब इतना सारा पैसा इसके अंदर जाता है। मतलब अगर एक पर्टिकुलर जो एविएशन कंपनी है अगर वो 100 रुपए कमाती है तो उसमें से 20 रुपए उसका डायरेक्टली फ्यूल के अंदर जाता है और बाकी 80 रुपए से वो बाकी वगैरह काम वगैरह करती है। तो जैसे ही ये पर्टिकुलर प्राइसेस इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली जो ये ग्लोबल एयरलाइंस है उसके ऊपर जो स्ट्रेस वगैरह है, स्ट्रेन वगैरह है, वो धीरे धीरे इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाएंगे। इससे क्या होगा, उस पर्टिकुलर एयरलाइन की जो मार्जिन है, जो वायबिलिटी है, जो प्रॉफिट वगैरह है वो सब धीरे धीरे रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए, ये तो हो गया सिंपल एक ऑयल का प्राइसेस। अब ऐसा तो है नहीं कि जो एक पर्टिकुलर एविएशन इंडस्ट्री है सिर्फ और सिर्फ ऑयल पे चलती है। इसके अलावा बहुत सारी डिफरेंट मतलब चीजें भी चाहिए होती हैं, जैसे कि सर्विस सेक्टर हो गया, बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए, इन सबके प्राइसेस भी तो लगातार इंक्रीज हो रहे हैं ना बिकॉज ऑफ रशिया एंड यूक्रेन के वॉर के कारण। अब इस वॉर के कारण जो ये प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं उसके कारण ग्लोबल लेवल पे इन्फ्लेशन भी है, वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया। उसके कारण सिर्फ यहाँ पर देखिए ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज नहीं हुए, बट एक पर्टिकुलर पर्सन अगर यूएसए से निकल के इंडिया के अंदर आकर घूमना चाहता है तो उसका जो कॉस्ट है वो भी कहीं ना कहीं इंक्रीज हो गया। सोचिए, अगर एक पर्टिकुलर पर्सन ऐसा चाहता था कि अगर वो $1,000 के अंदर, मतलब $1,000 के अंदर पूरी की पूरी इंडिया घूम ले और सब कुछ कर ले, तो अब शायद उसको सेम चीज के लिए $1,200 को अटेंड करना पड़ेगा। मतलब इतना उसको साइड में रखना पड़ेगा। मतलब दिस इज द काइंड ऑफ थिंग दैट वी टॉकिंग अबाउट, बिकॉज कॉस्ट लगातार धीरे धीरे इंक्रीज होते जा रहे हैं। फूड के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, हर एक चीज का जो प्राइस है वो धीरे धीरे अब इंक्रीज हो गया है। उसके कारण इन्फ्लेशन जो है कहीं ना कहीं टूरिज्म इंडस्ट्री के ऊपर भी प्रॉब्लम कॉज कर रहा है। अगर आप एयरलाइंस के बारे में फिर से बात करेंगे तो एयरलाइंस में हम जानते हैं कि जो एयरलाइंस की खुद की देखिए फ्यूल के अगर प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, इन्फ्लेशन अगर इंक्रीज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके टिकट्स वगैरह भी इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, अब टिकट्स इंक्रीज होने के कारण जो क्या एयरलाइन की सारी सीट्स वगैरह यहाँ पर फिल होंगी, ये चीज अपने आप में चैलेंज है। और स्पेशली एक चीज तो यहाँ पर हो गया कि सीट्स मतलब फुल नहीं होंगी बिकॉज ऑब्वियसली टिकट्स वगैरह काफी आई हैं। और सेकंड चीज ये है कि बहुत सारा एक टाइप का डर बैठा हुआ है ट्रैवलर्स के मन में, मतलब सार्स कोविड 2 का। ऑब्वियसली देखिए कोविड का ओमिक्रॉन वेरिएंट ऑल्दो का बहुत ज्यादा माइल्ड था, बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम उसने कॉज नहीं किया, बट लेट्स होप होप्स हो कि ये पर्टिकुलर जो यहाँ पर जो ये वेरिएंट था, ये लास्ट वेरिएंट हो, इसके बाद कोई और वेरिएंट ना आए। बिकॉज लेकिन देखिए ऐसा नहीं है कि ये वेरिएंट आ ही नहीं सकता, हो सकता है कि कोई फोर्थ वेव भी आ सकता हो, मतलब कोई ना कोई वेरिएंट यहाँ पर आ सकता है। अगर वो आ गया तो उसका एक और डर जो है कहीं ना कहीं फियर जो है वो लोगों को घर से बाहर मतलब जाने से रोक रहा है अभी राइट नाउ। ठीक है, लोग अभी तक घर के अंदर बैठे हुए हैं। अब देखिए, अब सोचिए अगर कोविड से बचने के लिए बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज ने बहुत सारे रेगुलेशंस वगैरह लगाने स्टार्ट कर दिए, तो क्या इससे कोई फायदा होगा? नहीं, इससे फायदा नहीं होगा, उल्टे इससे बर्डन और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा एविएशन इंडस्ट्री के ऊपर, बिकॉज लोग और ज्यादा इसको मतलब आना रिड्यूस कर देंगे। सोचिए अगर आपने हर एक पर्सन को बोल दिया कि अगर आपको जाना है तो आप RT-PCR लेकर आओ, आप ये करो वो करो, तो कहीं ना कहीं लोग इस चीज को मतलब प्लान्स को वो करना पोस्टपोन करना ज्यादा बेटर समझेंगे एज कम्पेयर टू इतने सारे रेगुलेशंस वगैरह को फॉलो करना। सिमिलरली पैंडेमिक के कारण जो रिस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी हो गई थी, लोगों का घर से बाहर निकलना बंद हो गया था, उसके कारण जो ऑनलाइन बिजनेस था वो सब बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो गया, मतलब बहुत ज्यादा मतलब ऑनलाइन मतलब इफेक्टिवली बहुत ज्यादा यहाँ पर इसके कारण इंपैक्ट हुआ था। उसके कारण बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस जो कि कहीं ना कहीं टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ रिलेटेड है उन सब के ऊपर इफेक्ट हुआ था, मतलब बहुत सारा इफेक्ट हुआ था। उसके कारण अगर हमें फिर से प्री पैंडेमिक लेवल पे पहुंचना है तो उसके लिए हमें बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट काम करना होगा, बट ये बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। सिमिलरली ऑथर ये भी बोलते हैं कि अगर हमें विजिटर्स का कॉन्फिडेंस वगैरह है, ऐसे लोग जो कि टूरिस्ट वगैरह है उनका कॉन्फिडेंस है उसको इंक्रीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। COVID-19 प्रोटोकॉल्स को प्रॉपर्ली फॉलो करके, वैक्सीनेशन कवरेज को फॉलो करके, इन सब चीजों को करके हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। बट दीज टू फैक्टर्स आर नॉट द ओनली फैक्टर्स जो कि एक्चुअली डिसाइड करेंगे कि हमारा टूरिज्म इंडस्ट्री फिर से इंक्रीज होगा या नहीं होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप एक चीज समझेंगे, जो एयरलाइन इंडस्ट्री है वो ऑलरेडी बहुत सारे घाटे में चल रही है। अपार्ट फ्रॉम दिस एयरलाइन इंडस्ट्री का ऑलमोस्ट 21% पैसा जो है वो टैक्सेस के अंदर जाता है, दैट टू इनडायरेक्ट टैक्सेस जो कि वो गवर्नमेंट को पे करती है डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज के लिए, चार्जेस के लिए, सब चीजें के लिए पे करती है। सोचिए अगर आपको एयरलाइन इंडस्ट्री को फिर से रिवाइव करना है, फिर से इंक्रीज करना है, तो फर्स्ट चीज तो आपको ये करना होगा कि जो 21% का जो ये टैक्सेस का जो रेवेन्यू है उसे को यहां पर आपको रिड्यूस करना होगा, ताकि एयरलाइंस के पास बेसिकली कुछ पैसा रहे ताकि उस पर्टिकुलर पैसों को यूज करके अलग अलग चीजों को अचीव कर सके। सिमिलरली जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल है कि जो ATF होता है उसको यहां पर रिड्यूस करना होगा, उसके प्राइसेस को रिड्यूस करना होगा, ताकि वो लोग जो कि एयरलाइन वगैरह को चला रहे हैं उनको बहुत ज्यादा यहां पर घाटा ना हो, हार्म ना हो, और वो अपने प्रॉफिट वगैरह सस्टेनेबिलिटी को देख करके ये सब चीजों को यहां पर अचीव कर सके।
नाउ एक चीज जो यहाँ पर ऑथर फाइनली बोलते हैं दैट एवरी सिंगल स्टेप शुड बी टेकन, हर चीज करना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट वगैरह इंडिया के अंदर आए, बिकॉज टूरिज्म सेक्टर को अगर आप देखेंगे, टूरिज्म सेक्टर राइट नाउ हमारे जीडीपी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैकबोन है। मैं आपको एक छोटे से डेटा के थ्रू शो करता हूँ, देखिए डेटा फर्स्ट ऑफ ऑल 2019 का है, दिस इज नॉट द रीसेंट डेटा, बट 2019 के बाद कोई और रीसेंट ट्रैवलिंग का डेटा नहीं आया है, ठीक है, दैट्स व्हाई आई पिक दिस पर्टिकुलर डेटा। ये पर्टिकुलर डेटा जो है शो करता है कि एग्जैक्टली किस पर्टिकुलर कंट्री का कितना जो शेयर है वो टूरिज्म सेक्टर का है और कितना शेयर एक्चुअली वो जीडीपी के अंदर इन्वॉल्व रहता है। तो लार्जेस्ट कंट्री ऑब्वियसली यहाँ पे यूएसए, यूएसए के अंदर टूरिज्म सेक्टर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पे ऑलमोस्ट 1,839 बिलियन डॉलर्स इतना पैसा जो है उसकी मतलब जीडीपी के अंदर इन्वॉल्व होता है। सिमिलरली वी हैव चाइना, जापान, जर्मनी, अगर आप इंडिया की बात करेंगे वी हैव ऑलमोस्ट 194 बिलियन डॉलर्स, मतलब ऑलमोस्ट अगर आप लेके चलेंगे तो 200 बिलियन डॉलर के आसपास में इतना पैसा जो 2019 के अंदर हम यहाँ पर टूरिज्म सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व कर रहे थे, मतलब इतना हम इंक्लूड कर रहे थे और इतना पैसा हमारे जीडीपी के अंदर इंक्लूड हो रहा था थ्रू द टूरिज्म सेक्टर, यानी कि सर्विस जो सेक्टर वगैरह प्रेजेंट है उसके थ्रू। दिस थिंग शोज कि इंडिया के अंदर राइट नाउ ये चीज कितना इंपॉर्टेंट है और इस चीज को और ज्यादा राइज कराना, इस चीज को और ज्यादा इंक्रीज कराना वो कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, बिकॉज हम और इसके अलावा हम जो मेन प्रॉब्लम्स वो हम जानते हैं, फर्स्ट इज कोविड, सेकंड इज कोविड के प्रोटोकॉल्स को प्रॉपर्ली फॉलो करना, थर्ड इज वैक्सीनेशन, फोर्थ इज कोविड का फिर से यहाँ पर आना, ठीक है, जितने भी प्रॉब्लम्स वगैरह हैं या फिर जितने भी एटीएफ वगैरह का जो प्राइसेस वगैरह इंक्रीज हो गए हैं, इन्फ्लेशन वगैरह इंक्रीज हो गया है, ठीक है, जो टिकट के प्राइसेस वगैरह इंक्रीज हो गए हैं, ये सब प्रॉब्लम्स हैं, इन सब प्रॉब्लम्स को सिंपली टाइम टू टाइम वन बाय वन इसको हमें टैकल करना होगा ताकि ये जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स है हमारे जो टूरिज्म सेक्टर के अंदर हमारा जो यहाँ पर डिक्लाइन हुआ है उस चीज को हम फिर से एक बार रिवाइव कर सकें और हमारे जीडीपी के अंदर जो भी टूरिज्म का जो शेयर था उस चीज को हम फिर से एक बार इंक्रीज कर सकें, ठीक है। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन, दोनों ए2वेल को हमने काफी डिटेल के अंदर बात करने की कोशिश की है, आई होप आपको दोनों चीजें प्रॉपर्ली समझ आ गई होंगी। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट प्लीज डू मेंशन देम इन कमेंट बॉक्सेस, हम उसको जल्दी से रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।